फ्रेंड्स, आज बहुत दिन हो गया कि मैं आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं मिला था, तो आज मैं आया हूँ आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप मोबाइल, जो सी टाइप ईयरफोन होते हैं, उसको आप किसी भी मोबाइल में कैसे चला सकते हैं। ज़्यादातर सारे मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है लोगों को कहना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज आप ये कैसे सपोर्ट करता है, और मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, बहुत दिन हो गया मैंने आपका एक भी वीडियो अभी तक लॉन्च, खुद फेस टू फेस आपसे बात बिना किए डाला था, तो मुझे लगा कि भाई आज थोड़ा सा मुझे आपसे लाइव बात करना चाहिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और उसे एडिट करके उसे सही तरीके से प्रेजेंट करने में, तो आप उसे लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये यूएसबी टाइप वाला ये जो हेडफोन है आप देख रहे हैं, यूएसबी टाइप वाला हेडफोन है ये, जानते हैं ये हमारा सैमसंग का ओरिजिनल हेडफोन है। देख रहे हैं सैमसंग लिखा हुआ है, ये सैमसंग का ओरिजिनल हेडफोन है, और ये जो है हमारा मोबाइल है वो भी। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये जो सी टाइप वाला हेडफोन है ये सभी में काम तो करता नहीं है, लेकिन मैं आज ये वीवो वाला ये मोबाइल है, वीवो का है, देख रहे हैं इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं वीवो का है, वीवो का इसमें ऐप वगैरह डाला हुआ है। तो मैं इसको ये सैमसंग वाले हेडफोन को इस वीवो वाले हेडफोन में लगा देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं ट्राई करता हूँ बजाने का। ये मैंने लगा दिया, इंटरनेट ऑन किया, और इंटरनेट ऑन करके मैं कोई भी गाना प्ले करता हूँ जो कि यूट्यूब पर पहले से है। चलिए यूट्यूब को छोड़िए, मैं अपना वीडियो इसमें से प्ले करता हूँ। मैं अपना चैनल का नाम इसमें सर्च करता हूँ, चलिए मैं ये अभी लेटेस्ट वीडियो जो मैंने 4 1 दिन पहले डाला है मैं इसे प्ले करता हूँ। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो देखिए लोग, ये आया था 1 साल पहले उड़ रहे थे मेरे पास। आप सुन रहे होंगे कि इसकी आवाज़ जो है ये बाहर से स्पीकर से आ रही है। काट दिया है ताकि ये उड़ ना सके, पंछियों का स्वभाव ही होता है उड़ना। और देखिए इसके दोनों पंख काटे हुए, यहाँ से यहाँ तक पूरा काटा हुआ है, स्वभाव इसलिए ये ज्यादा उड़ नहीं पाया और ये मेरे पास आकर के मेरे घर। चलिए कुछ और ऑडियो का ट्राई करता हूँ जो लाउड स्पीक लाउड में हो, NCS, ठीक है, NCS ऑडियो को मैं ट्राई करता हूँ। ऑडियो बाहर से ही आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही नॉइजी भी है, लेकिन ये अभी तक आप देख रहे हैं कि इसकी आवाज़ जो है हेड स्पीकर से आ रही है। आप जैसा कि आप सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ स्पीकर से आ रही है, ठीक है। तो फिर अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। आपको क्या सर्च करना है, आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना क्या, OTG आपको सर्च करना है। OTG सर्च करने के बाद OTG पे क्लिक करना है, और इस OTG को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जिसे हम बैक करेंगे, ठीक है, और वापस अपने इस NCS वीडियो ऑडियो में जाएंगे, और हम इसे अब प्ले करेंगे। देख रहे हैं अब ये साउंड जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो साउंड आ कहाँ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। तो जैसे ही हम इसको इसके पास ले जाते हैं, तो आप इसकी आवाज साउंड को आप सुन सकते हैं। इसमें अभी और साउंड बढ़ाने के लिए ऑप्शन है, देखिए मैंने इसे पूरी तरह से बढ़ा दिया।
तो देख रहे हैं अब इसका साउंड जो है इसके अंदर आ रहा है। आपको ये कमाल की ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं। और ये क्वेश्चन ऐसे तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, भाई आपने OTG वाली सेटिंग कहाँ से लाई। तो सेटिंग में जाके हमने सेटिंग के में जा करके ऊपर सर्च की ऑप्शन है, इस सर्च के ऑप्शन में मैंने OTG सेलेक्ट किया, और OTG सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने ऑन किया था, और इस तरह से मैंने इस सैमसंग के USB वाले टाइप के हेडफोन को मैंने ऑडियो जो है मैंने इसका यूज किया वीवो हेडफोन में, और ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी प्रोत्साहन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर जरूर कर दे दोस्तों, ताकि आपने जो सीख लिया वो किसी और को भी ये ज्ञान मिल सके। थैंक यू।